अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर टू की हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2, क्वेश्चन नंबर एट है। क्वेश्चन नंबर एट की स्टेटमेंट देखने से पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज स्टेबलाइजर? हमारे पास स्टेबलाइजर की डेफिनेशन है, इफ जी इज अ ग्रुप एक्टिंग ऑन अ सेट एस, एक फिक्स एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, एंड एस इज सम फिक्स एलिमेंट ऑफ एस, द स्टेबलाइजर ऑफ एस। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद इंटीजर कोफिशिएंट इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1, x2, x3, x4। हमारे पास क्या होगी, एक पॉलिनोमियल होगी जिसमें हमारे पास जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट होंगे वो इंटीजर होंगे, यानी कि प्लस माइनस दोनों की फॉर्म के हो सकते हैं, ठीक है, और वो जो हमारे पास वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। द मेंबर्स ऑफ आर आर फाइनाइट सम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ, हमारे पास किस तरह की पॉलिनोमियल होगी, ए एक्स वन की पावर आर वन, एक्स टू की पावर आर टू, एक्स थ्री की पावर आर थ्री, एक्स फोर की पावर आर फोर। वेयर ए हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, और जो इनकी पावर में आर्स हैं वो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर लाइक दिस। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है 12 x1 की पावर 5, x2 की पावर 7, x4 माइनस 18, x2 की पावर 3, x3 प्लस 11, x1 की पावर 6, x2, x3 की पावर 3, x4 और उसकी पावर 23। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ है समझने वाली, यहाँ पे और उन्होंने बताया हुआ कि हमारे पास जो सिग्मा है वो कहाँ से हमें लेना है, वो हमने S4 से लेना है, और हमें पता है S4 हमारे पास क्या है, यह हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप है और इसमें हमारे पास परमोटेशंस होती हैं, ठीक है, थीके? और इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एन का फैक्टोरियल। परमोटेशन है हमारे पास, अब हमने ये परमोटेशन कैसे इस पॉलिनोमियल पे अप्लाई करनी है उसका उन्होंने मेथड बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए सिग्मा डॉट पी, पी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, x1, x2, x3 और x4। जब हम इस पे सिग्मा अप्लाई करेंगे तो ये इसकी जो डिनोमिनेटर वाली पावर है, नहीं सॉरी इंडेक्स है, इसके साथ अप्लाई होगी, तो सिग्मा 1 आ जाएगा। इस तरह जब हम इस पे अप्लाई करेंगे x2 पे तो सिग्मा एक्स सिग्मा 2 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास इस पे अप्लाई करेंगे तो एक्स सिग्मा 3 आ जाएगा, और लाइक दिस सिग्मा एक्स सिग्मा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, इसको हम क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन के पार्ट ए की हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमारे पास है लेट पी किसके इक्वल है, पी ऑफ x1 सोन x4 तक, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, यही हमने पॉलिनोमियल यूज करनी है फर्स्ट वन, और फाइंड हमने क्या करना है, हमारे पास सिग्मा गिवन है 1 2 3 4, और हमारे पास टा गिवन है 1 2 3। फाइंड हमने क्या करना है, सिग्मा डॉट पी फाइंड करेंगे, और उसके बाद टी स्टेरिक सिग्मा स्टेरिक पी, यानी कि यहाँ पे स्टेरिक जो है वो मल्टीप्लीकेशन वाला सिंबल है, और टी कंपोजिशन ऑफ सिग्मा, टाओ कंपोजिशन ऑफ सिग्मा डॉट पी फाइंड करेंगे, और नेक्स्ट वन सिग्मा कंपोजिशन टाओ डॉट पी फाइंड करेंगे। चलिए हम अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने पार्ट ए, उसके पार्ट में क्या फाइंड करना था, सिग्मा डॉट पी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन थी क्वेश्चन के पार्ट में ही, पी इज इक्वल टू पी x1 x2 x3 x4, और यहाँ पे इसकी पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन थी 12 x1 की पावर 5, x2 की पावर 7, x4, और ये सारी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, और हमें गिवन था सिग्मा की वैल्यू 1 2 3 4, और हमारे पास टाओ की वैल्यू थी 1 2 3। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना था, सिग्मा डॉट पी फाइंड करना है, तो सिग्मा की जगह पे सिग्मा की वैल्यू लिखेंगे, दरमियान में हमने वो ये डॉट अप्लाई किया और बाद में पॉलिनोमियल लिख दी। अब हमने क्या देखा था, यहाँ पे ये डेफिनेशन देखें इसकी, यहाँ पे लिखी हुई है, जब भी हम सिग्मा को पी पे अप्लाई करेंगे तो ये जो सिग्मा है ये इस वैल्यू पे अप्लाई होगा, एक्स के साथ जो इंडेक्स है वो सिग्मा ऑफ 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब हमने इन वैल्यूज को लिखा तो यहाँ पे 12 है, 12 आ जाएगा, एक्स की पावर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे जब सिग्मा ऑफ 1 हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिग्मा ऑफ 1, और हमें पता है सिग्मा ऑफ 1 यहाँ पे किसके इक्वल है, जब हम सिग्मा ऑफ 1 यहाँ लिखेंगे तो ये 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे मैप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको मैं दूसरी तरह भी बताती हूँ, यहाँ पे हमारे पास किस तरह की परमोटेशन है, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स गिवन है, अब इनकी परमोटेशन हम लिखते हैं, 1 किस पे मैप कर रहा है, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 लिख दिया, 2 किस पे मैप कर रहा है, 2 3 पे मैप कर रहा है, तो 2 3 पे मैप करेगा, 3 किस पे मैप कर रहा है, 4 पे मैप कर रहा है, तो 3 4 पे मैप करेगा, और 4 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे, तो 4 किस पे मैप करेगा, 1 पे। ये हमारे पास एक्चुअली में इस तरह की परमोटेशन गिवन होती है, और उसको हमने साइकिल में लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जब हमने देखा, जब हम सिग्मा 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो सिग्मा 1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x की x का जो इंडेक्स है वो 2 लिख दिया, और उसके बाद जब हम सिग्मा 2 अप्लाई करेंगे, 2 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे मैप कर रहा है, तो यहाँ पे x3 आ जाएगा और इसकी पावर 7 एडिट आ जाएगा। नेक्स्ट वन है x4, 4 यहाँ किस पे मैप कर रहा है, जब हम सिग्मा 4 लिखेंगे तो 4 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे मैप कर रहा है, और इधर भी देख सकते हैं 4 1 पे मैप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 18 एडिट x की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे जब हम सिग्मा अप्लाई करेंगे, सिग्मा 2 किसके इक्वल आ जाएगा, जब हम 2 की मैपिंग देखेंगे, 2 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है x3, जब 3 के हम देखेंगे यहाँ पे सिग्मा अप्लाई करेंगे, सिग्मा ऑफ 3 किसके इक्वल है, 4 के, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 11 x1 सिग्मा ऑफ 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो वो मैंने लिख दिया, x सिग्मा ऑफ 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा, 3 लिख दिया, उसके बाद
x सिग्मा ऑफ 3 किसके इक्वल है 4 के, तो 4 आ जाएगा और x सिग्मा ऑफ 4 किसके इक्वल है 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये इस तरह हम इसको बाद में रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि x 1 की वैल्यू पहले लिखेंगे, x 2 की वैल्यू बाद में, x 3 की वैल्यू बाद में, लिख भी लें तो भी ठीक है, अगर नाम लिखें तो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, टाओ डॉट सिग्मा डॉट पी। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे सिग्मा डॉट पी हमने ए पार्ट में फाइंड किया, तो ये वाली वैल्यू मैं सारी यूज करूंगी इसकी जगह पे, और यहाँ पे अब हम टा की वैल्यू यानी कि लिखेंगे। टा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, 1 2 3, यहाँ पे मैंने वो लिख दी, डॉट सिग्मा डॉट पी हमने फाइंड किया है, वो वाली सारी वैल्यू ये मैंने पॉलीनोमियल यहाँ पे लिख दी। ये भी सेम इसी तरह ही अप्लाई करना है। अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कि 4 4 पे ही मैप कर रहा है। मैं इसकी परमुटेशन आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, यहाँ पे देखें 1 2 3 4, 4 एलिमेंट थे इसमें, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एस 4 से उठाया, तो इसीलिए हमारे पास इसमें 4 एलिमेंट होंगे। अब ये क्या है, इसका मतलब 1 जो है वो 2 पे मैप कर रहा है, तो 1 जो है वो यहाँ पे 2 पे मैप करेगा, 2 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, 2 3 पे मैप करेगा, 3 किस पे मैप कर रहा है, 3 1 पे मैप कर रहा है, तो 3 1 पे मैप करेगा, तो इसका मतलब 4 जो है वो 4 पे मैप करेगा। और हमें पता है जब हमारे पास यानी कि सेल्फ मैपिंग होती है, आइडेंटिटी मैपिंग होती है, तो उसको हम यहाँ पे शो नहीं करते साइकिल में, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज आ रही है। अब देखिए जब मैं यहाँ पे सिग्मा अप्लाई करूंगी इस पे, टाओ ऑफ 1 हमारे पास क्या आएगा, ये किस पे अप्लाई हो रहा है, ये 2 पे, तो यहाँ पे x2 आ जाएगा। उसके बाद टाओ ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पे मैप हो रहा है, 3 आ जाएगा, और टाओ ऑफ 3 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे मैप हो रहा है, टाओ ऑफ 3 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे मैप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद -18 x3 है, 3 की जब टाओ ऑफ 3 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे मैप कर रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और टाओ ऑफ 4, टाओ ऑफ 4 किस पे मैप कर रहा है, 4 पे ही मैप कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। प्लस 11 x2 सॉरी यहाँ पे x1 है, जब टाओ ऑफ 1, तो 1 किस पे मैप कर रहा था, यहाँ पे 2 पे मैप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। उसके बाद हम टाओ ऑफ 2 देखेंगे, टाओ ऑफ 2 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और नेक्स्ट वन x3 है, x3 हमारे पास क्या है, टाओ ऑफ 3, टाओ ऑफ 3 हमारे पास किस पे मैप कर रहा है, 1 पे, तो यहाँ पे x1 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे x4 है, और टाओ ऑफ 4 पे ही मैप कर रहा है, और साथ में उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये पावर्स मैंने साथ साथ नहीं बोली, तो ये मैंने ऊपर लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसको अगेन रीअरेंज किया हुआ है, x1 की पावर 7 को पहले लिखा है, x2 बाद में लिखा, और उसके बाद x3 लिखा है, ठीक है, उसकी पावर 5, इसको मैंने रीअरेंज किया हुआ है। और नेक्स्ट वन उसके बाद है हमारे पास कंपोजिशन, टाओ कंपोजिशन ऑफ सिग्मा डॉट पी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि टाओ कंपोजिशन ऑफ सिग्मा फाइंड करना पड़ेगी। टाओ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 2 3, और सिग्मा की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। अब हमने इनकी कंपोजिशन फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, 1 2 3 4, इसका क्या मतलब है, 1 जो है वो किस पे मैप कर रहा है, 2 पे मैप कर रहा है, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 किस पे मैप करेगा, 3 पे, 2 3 पे मैप कर गया, 3 किस पे मैप करेगा, 1 पे, 3 1 पे मैप कर गया, तो 4 की क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग है, यानी कि 4 4 पे ही मैप कर रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको यहां पे एज इट लिख दिया। और इसकी मैपिंग को मैंने लिखा 1 2 3 4, ऊपर तो एजिट आएगा क्योंकि ये S4 में से हम उठा रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा जो ये साइकिल है, इसकी मैपिंग किस तरह है, तो 1 2 पे मैप कर रहा है, मैंने 1 को 2 पे मैप करवा दिया, 2 3 पे मैप कर रहा है, 2 को 3 पे मैप करवा दिया, 3 4 पे मैप कर रहा है, और 3 को 4 पे मैप करवा दिया, तो 4 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे मैप कर रहा है, तो 4 1 पे मैप कर रहा है। अब हमने इनकी कंपोजिशन फाइंड करनी है, और हमें पता है कंपोजिशन जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हम इधर से इस तरफ जाते हैं, ठीक है। ये वाली हम परमोटेशन को पहले देखेंगे और इसी में देखेंगे, ठीक है। 1 2 पे या सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 यहाँ परमोटेशन में लिख लेंगे, और उसके बाद 1 2 पे मैप कर रहा है, और इधर देखना 2 किस पे मैप कर रहा है, 2 3 पे मैप कर रहा है, तो 1 के नीचे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास है 2 2 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, और इधर देखना 3 किस पे मैप कर रहा है, 3 1 पे मैप कर रहा है, तो 2 किस पे मैप करेगा, 1 पे, 2 के नीचे 1 लिख दिया। उसके बाद 3 किस पे मैप कर रहा है, 4 पे, और इधर देखना 4 किस पे मैप कर रहा है, 4 पे, 3 किस पे मैप कर जाएगा, 4 पे, 3 4 पे मैप कर गया, 4 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे, और इधर 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे, तो 4 किस पे मैप कर जाएगा, 2 पे। अब इसको हमने साइकिल में लिखना है, तो साइकिल में किस तरह लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास परमुटेशन जो है वो साइकिल में गिवन है, तो साइकिल में लिखने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे 1 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, और 3 किस पे मैप कर रहा है, 4 पे, यानी कि हम लिख देंगे 1 3 पे मैप कर रहा है, 3। जब हम इस तरफ देखते हैं, एक ही परमोटेशन होती है, उसको साइकिल में बनाना था, तो उसको ऐसे देखते हैं, 1 3 पे मैप करा, तो 1 3 लिख देंगे, मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ, 1 3 पे मैप कर रहे हैं, 1 3 पे मैप कर रहा है, और उसके बाद देखना 3 किस पे मैप कर रहा है, जिस नंबर पे एंड करना उसी को चेक करना कि वो किस पे मैप कर रहा है, 3 4 पे मैप कर रहा है, 3 4 पे मैप कर गया, 4 को देखना किस पे मैप कर रहा है, 4 2 पे मैप कर रहा है, तो यहाँ पे 4 2 आ जाएगा, 2 किस पे मैप कर रहा है, 2 1 पे मैप कर रहा है, तो 1 यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइकिल में जो हमारे पास वैल्यूज वो रिपीट नहीं होती, इसीलिए इसको हम इस तरह लिख देंगे, तो ये 1 3 4 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू को इसी यानी पॉलीनोमियल पे अप्लाई करना है, तो फार्मूला हमें पता है, यहाँ पे हम अब दोबारा वही टूल अप्लाई करेंगे, 12 x 1 1 किस पे मैप करेगा, 1 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x 3। नेक्स्ट वन 2 2 किस पे मैप कर रहा है, 2 1 पे मैप कर रहा है, तो x 1 की पावर 7 आ जाएगा।
एक्स फोर, फोर किस पे मैप कर रहा है, फोर यहाँ टू पे मैप कर रहा है, तो एक्स टू आ जाएगा। माइनस एटीन, टू किस पे मैप कर रहा है, टू यहाँ पे वन पे मैप कर रहा है, तो एक्स वन की पावर थ्री आ जाएगा। उसके बाद थ्री किस पे मैप कर रहा है, थ्री फोर पे मैप कर रहा है, तो एक्स की पावर एक्स फोर आ जाएगा। प्लस इलेवन एज इट एक्स वन, वन किस पे मैप कर रहा है, वन थ्री पे मैप कर रहा है, तो एक्स थ्री की पावर सिक्स आ जाएगा। उसके बाद टू किस पे मैप कर रहा है, टू अगेन वन पे मैप कर रहा है, तो एक्स वन आ जाएगा। थ्री किस पे मैप कर रहा है, थ्री फोर पे मैप कर रहा है, तो एक्स फोर की पावर थ्री आ जाएगा। और लाइक दिस फोर जो है वो टू पे मैप कर रहा है, तो एक्स टू की पावर 23 आ जाएगा। इसको भी रीअरेंज कर लेंगे। अब जैसे हमने सिग्मा डॉट टाउ डॉट सिग्मा की कंपोजिशन ये फाइंड की है, सेम एज इट हमने इसकी फाइंड करनी है। अब हमने सिग्मा को पहले रखना है और उसकी कंपोजिशन फाइंड करनी है टा के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसको सोल्व कर लिया, बजाय कि ये परमुटेशन हम सारे लिखें, कैसे डायरेक्ट सोल्व करेंगे वो भी देख लें। सबसे पहले मैंने सिग्मा की वैल्यू लिखी 1, 2, 3, 4 और नेक्स्ट वन टाउ की वैल्यू लिखी 1, 2, 3। यहाँ पे हमने देखना है वन किस पे मैप कर रहा है, वन टू पे मैप कर रहा है, ठीक है। तो वन मैंने लिख दिया पहले, वन किस पे मैप कर रहा है, टू पे, और टू किस पे मैप कर रहा है, टू थ्री पे मैप कर रहा है। तो वन किस पे मैप करेगा, वन थ्री पे मैप करेगा। नेक्स्ट वन टू किस पे मैप कर रहा है, थ्री पे, और थ्री किस पे मैप कर रहा है, फोर पे। तो टू किस पे मैप करेगा, टू फोर पे मैप करेगा, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने इसकी भी इसी तरह ही ये डॉट यानी कंपोजिशन फाइंड कर लेनी है, और उसके बाद इसको पॉलीनोमियल पे अप्लाई करना है और इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन है इसका पार्ट बी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह की आई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 को हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट सेम है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। क्वेश्चन बी के हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रूव दैट दीज डेफिनेशन गिव्स आर लेफ्ट ग्रुप एक्शन ऑफ एस फोर ऑन आर। एस फोर पे ये हमें क्या देते हैं, लेफ्ट ग्रुप एक्शन। हमें ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन का पता है, उसको हम अप्लाई करेंगे और इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, लेट कर लिया है, पी किसके इक्वल है। अभी आप लोग कहेंगे कि स्टेटमेंट में हमें पी तो गिवन नहीं था, जो हमारे पास ये वाली चीज़ गिवन थी, ये वाली, ठीक है, इसको हमने क्या किया है, कंबाइन कर लिया, कंबाइन करके इसको पी की फॉर्म में लिखा है। पी किसके इक्वल है, समिशन ऑफ आई बिलोंग टू आई ए आई। देखिए यहाँ पे ए क्या था, ए हमारे पास कोई भी इंटीजर था, और यहाँ पे ए सभी के साथ है, तो इनका भी ऑब्वियसली सम होगा, ठीक है। ए वन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास इसको हम पाई बोलते हैं या फिर इंटरसेक्शन बोलते हैं, डोंट नो। जे किसके इक्वल है, वन के, और हमारे पास ये वन से लेकर फोर तक है। अब जे क्या है, ये हमारे पास हमें पता है, पी में हमें क्या गिवन था, पी गिवन था एक्स वन से लेकर एक्स फोर तक। तो हमारे पास जो जे है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वन से लेकर फोर तक, और एक्स जे की पावर क्या आ जाएगी, आर आई जे, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास आर आई जे का क्या मतलब है, हमारे पास ये परमुटेशन होती हैं, नहीं कोई नंबर्स होंगे, ठीक है। हमारे पास आर की पावर जो है, ये हमारे पास कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, यहाँ से आई, आई यहाँ से आ जाएगा, और जे यहाँ से भी आ सकता है, एक्स का इंडेक्स भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास पी है, जिसको हमने समीशन की फॉर्म में लिखा है। अब हमने इसको प्रूफ क्या करना है, इसका ग्रुप एक्शन प्रूफ करना है। और हमें पता है ग्रुप एक्शन प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास होती है, वन डॉट ए किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, जी वन डॉट जी टू डॉट ए, हमारे पास ये किस तरह लिखा जाना चाहिए, जी वन जी टू डॉट ए, फॉर ऑल जी वन जी टू बिलोंग टू जी, यानी कि ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट है जो जी से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे पास एक सेट का एलिमेंट है जो सेट में बिलोंग करता है, तो वो कहता है फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। सबसे पहले हमने इसको शो करना है कि ये हमारे पास ग्रुप एक्शन को होल्ड करता है या नहीं, किस में, एस फोर में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमने लिया वन, वन डॉट पी, वन जो है, वन डॉट पी, हम फर्स्ट वन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो वन डॉट पी, हम यहाँ पे ए था और यहाँ पे क्या है, पी है। अब हमने जब इस पे वन अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास हमने सिग्मा की डेफिनेशन देखी थी क्वेश्चन ए पार्ट में, यहाँ पे देखें, जब हम यहाँ पे सिग्मा की जगह वन रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन 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 टू वन थ्री वन फोर, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। जब वन को वन पे अप्लाई करेंगे, वन को टू पे अप्लाई करेंगे, वन को थ्री पे अप्लाई करेंगे, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जब हमने वन डॉट ये सारा पी लिख दिया, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ जे लिख दिया। जे हमें पता है ये वन से लेकर फोर तक है, एक्चुअली में जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स वन और एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर, इस फॉर्म के हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो हमने ये शो कर दिया कि ये हमारे पास जो आइडेंटिटी है ये भी पी में बिलोंग करती है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये भी पी के इक्वल आ गया, और हमने इसको ए के इक्वल यानी कि इसी एलिमेंट के इक्वल शो करना था। अब सेकंड वन है, सेकंड वन में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने दो एलिमेंट ले लिए, सिग्मा और टाउ, किस में बिलोंग कर रहे हैं, एस फोर में, क्योंकि हम एस फोर में ही ये ग्रुप एक्शन देख रहे हैं। और देन हम क्या करेंगे, सिग्मा डॉट टाउ डॉट पी,
यहाँ पे हमने क्या किया, सिग्मा डॉट और इस टा को इसके अंदर लिखा और इसमें पी की वैल्यू को पुट कर दिया। जब हम पी की वैल्यू को पुट कर देंगे, नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा को अप्लाई करना है। और हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ दिस वन डेफिनेशन है, ये हमारे पास जब भी हम टाउ को अप्लाई करेंगे तो ये एक्स की जो वैल्यू होगी उनके इंडेक्स के साथ ये ना सिग्मा अप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी ये इसी के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, यहाँ पे एक्स जे है तो यहाँ पे टाउ ऑफ जे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा गया टाउ ऑफ जे इस तरह। जब हम बाकी सारी वैल्यूज एज इट लिखेंगे, जब हम अगेन सिग्मा अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, अगेन हमने सिग्मा अप्लाई किया तो जिस तरह हमें इसकी डेफिनेशन डिफाइन है उसी तरह ही ये सिग्मा किस पे अप्लाई होगा, इसी पे अप्लाई होगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू टा इंटू जे। ठीक है, और इसको हम कंपोजिशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिग्मा कंपोजिशन ऑफ टा इंटू जे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, सिग्मा कंपोजिशन ऑफ टा को बाहर लिख सकते हैं और डॉट ये वाली सारी टर्म जे के साथ हम लिख सकते हैं। और हमें पता है ये सारी टर्म किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो सिग्मा कंपोजिशन ऑफ टा और डॉट पी किसके, ये हम कंपोजिशन नाम लिखें डॉट भी लिख लें तो भी सेम है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी के इक्वल प्रूव हो गया। यहाँ पे देखें सिग्मा इंटू टाउ डॉट पी, अब पी बाहर आ गया और ये दोनों अंदर लिखे गए। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ग्रुप एक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास इसका पार्ट सी, वो देखते हैं। पार्ट सी की सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या है, परमुटेशन है किसकी, एस फोर की, और इसको हमने क्या करना है, स्टेबलाइज करना है एक्स एन and prove that they form a subgroup isomorphic to S3. S4, ठीक है, that stabilize the X4. X4 को हमने stabilizer prove करना है, और हम फिर हमने क्या बताना है कि ये हमारे पास subgroup isomorphic है किसका, S3 का। तो यहाँ पे देखें X4 को हमने क्या करना है, ये स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर का क्या मतलब है, ये हमारे पास फिक्स है। अगर ये हमारे पास फिक्स है तो हमारे पास जो इसकी परमुटेशन आ सकती हैं वो क्या क्या आएंगी, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास परमुटेशन क्या आती है, वन टू थ्री फोर, और उन्होंने बताया कि आपने फोर को फिक्स रखना है। जब हम फोर को फिक्स रखेंगे तो इन तीनों को हम कितनी दफा प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि इसकी कितनी दफा हम इसकी परमुटेशन कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ सकती हैं, यहाँ पे हमने लिखा एक तो आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी कि वन वन पे मैप करेगा, टू टू पे मैप करेगा और थ्री थ्री पे मैप करेगा, तो आइडेंटिटी मैपिंग आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने आई से या वन से नोट कर लें, वन से या आई से आइडेंटिटी मैपिंग आ जाएगी। और नेक्स्ट वन हम क्या कर सकते हैं, थ्री को फिक्स कर सकते हैं, अगेन थ्री को फिक्स करके वन और टू को यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये वन टू आ जाएगी, नेक्स्ट वन वन थ्री आ जाएगी, टू थ्री आ जाएगी, वन टू थ्री आ सकती है और वन थ्री टू आ सकती है, वन टू थ्री आ सकती है और वन थ्री टू आ सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी तरह की ये मैपिंग बन सकती हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास है ये क्या आ जाएगी, टू की पावर थ्री किसके इक्वल आ जाएगा, नहीं टू की पावर थ्री तो एट होता है ना, नहीं इसकी परमुटेशन हमने इस तरह फाइंड करनी है जब हम एक को फिक्स करेंगे। ओके, ये हमारे पास सिक्स आ गया। अब हमारे पास इसका हमने आइसोमॉर्फिक बताना है, तो एस फोर एस थ्री में हमारे पास क्या है, थ्री फैक्टोरियल होता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसका हम फैक्टोरियल लेते हैं, वो उतनी ही हमारे पास परमुटेशन आती है। जब हमने एक को फिक्स कर दिया, बाकी हमारे पास तीन एलिमेंट रह जाएंगे, और तीन एलिमेंट्स की जो हमारे पास परमुटेशन बन रही है वो सिक्स बन रही है, वो हमने यहाँ पे बनाई है, और हमने इन परमुटेशन को साइक्लिक में लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे थ्री का फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया, सिक्स के इक्वल आ गया, ये भी सिक्स बनी है, ये भी सिक्स है, तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोमॉर्फिक हो गए। अब नेक्स्ट वन है इसका पार्ट डी। पार्ट डी में वो क्या कहता है कि हमारे पास इसकी जो परमुटेशन है एस फोर में, स्टेबलाइजर हमने किसको करना है, एक्स वन प्लस एक्स टू को। अब वो साथ में ये भी बता रहा है, एंड प्रूव दैट दे फॉर्म एन अबेलियन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर। ये अबेलियन सब ग्रुप बनाएंगे किसका, ऑर्डर का, फोर के ऑर्डर का। ठीक है, यहाँ पे देखें एक्स वन और एक्स टू को हमने क्या प्रूव करना है, स्टेबलाइजर प्रूव करना है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, वो कहता है कि हमारे पास जो एक्स वन वन और टू जो है ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये स्वैप भी कर सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं, यानी कि इसको हम फिक्स और स्वैप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, हमारी अपनी मर्जी होगी। और वो कह रहा है हाउ टू एक्ट ऑन थ्री एंड फोर, थ्री और फोर किस तरह एक्ट करते हैं, ये डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, आप लोगों ने किस पे तवज्जो देनी है, वन और टू पे, क्योंकि हमने इसी को ही स्टेबलाइजर शो करना है। तो स्टेबलाइजर शो करने के लिए हमें इसको फिक्स रखना है या फिर स्वैप करना है, वो डिपेंड करता है। देयर आर फोर सच परमुटेशन, अब इसकी फोर परमुटेशन कैसे बनेंगी, टू की पावर टू किसके इक्वल आ जाएगा, फोर के। अब यहाँ पे कंडीशन थी कि आप लोग स्वैप भी कर सकते हैं और फिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने टू की पावर थ्री क्यों नहीं लिखा, टू की पावर थ्री एट की इक्वल आता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ था कि आप लोगों ने फोर को फिक्स रखना है, जस्ट ए को फिक्स रखना है, उन्होंने ये नहीं बोला था कि आप इसको स्वैप भी कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, हमने यहाँ पे जो हमारे पास परमुटेशन जिसकी बनेंगी वो कौन कौन सी बनेंगी, यहाँ पे देखिए वन टू आइडेंटिटी परमुटेशन आ जाएगी, वन टू आ जाएगी, थ्री फोर आ जाएगी, अगेन वन टू, यानी कि हमने इसको क्या किया है, टू वन भी लिख सकते थे, यहाँ पे फोर थ्री भी लिख सकते थे, हमने इसको क्या किया, स्वैप किया, फिक्स नहीं रखा, तो इसलिए हमने इसको वन टू और फिर दोबारा थ्री फोर लिख दिया। इसको हमने प्रूफ क्या करना है, इसको अबेलियन प्रूफ करना है। तो इसको अबेलियन प्रूफ करने के लिए अगर हम यहाँ पे कैलकुलस टेबल ड्रा कर दें और उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि इनवर्स भी होल्ड करता है और उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव ला, कमोटेटिव ला, यहाँ पे सारे ऑपरेशन होल्ड कर देंगे, ठीक है। तो इस टेबल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिटी लिखा है, वन टू साइकिल लिखा है, थ्री फोर लिखा है, ये हमारे पास दोनों साइकिल मतलब इकट्ठे हैं, वन टू और थ्री फोर, ठीक है। तो यहाँ पे वन वन टू थ्री फोर और वन टू और थ्री फोर दोनों, ठीक है। जब वन को वन के साथ करवाएंगे मल्टीप्लीकेशन तो वन आ जाएगा, वन को वन टू के साथ जो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी किसी के साथ भी होगी, किसी भी साइकिल के साथ, तो ये हमारे पास सारी एज इट आ जाएंगी साइक्लिक परमुटेशन। उसके बाद मैंने यहाँ पे वन टू को अप्लाई किया आइडेंटिटी पे, तो ये वन टू आ जाएगा, वन टू को जब हम वन टू पे अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी परमुटेशन हमारे पास, जब वन टू को हम थ्री फोर पे अप्लाई करेंगे तो वन टू थ्री फोर दोनों की हमारे पास साइकिल आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद वन टू को जब हम वन टू और थ्री फोर पे अप्लाई करेंगे तो वन टू पे जब ये अप्लाई होगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा और साथ में थ्री फोर एज इट आ जाएगा, थ्री फोर का साइकिल एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमने क्या किया, थ्री और फोर के साइकिल को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आइडेंटिटी के साथ थ्री फोर एज इट आ जाएगा साइकिल, और उसके बाद हम जब थ्री फोर को इसके साथ करवाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वन टू थ्री फोर एज इट, यानी कि ये हमारे पास साइकिल एज इट आ जाएगा। इसको हम थ्री फोर यानी कि ऑर्डर का ख्याल रखते हुए थ्री फोर वन टू भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद थ्री फोर को जब हम इसके साथ परमुटेशन करवाएंगे तो ये हमारे पास वन आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो वन आ जाएगा, थ्री फोर की जब इसके साथ करवाएंगे इन दोनों के साथ तो इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी और ये वन टू एज इट आ जाएगा। उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे इसके साथ आइडेंटिटी के साथ करवाएंगे तो ये एज इट आ जाएगा, जब हम इसके साथ करवाएंगे तो वन टू इसके साथ आइडेंटिटी आ जाएगी, थ्री फोर का साइकिल आ जाएगा, और नेक्स्ट वन इसके साथ जब करवाएंगे तो थ्री फोर का साइकिल हमारे पास इसके साथ आ जाएगा आइडेंटिटी और वन टू एज इट आ जाएगा, और इसके साथ ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास हर रो में हमारे पास एक एक आइडेंटिटी जो है अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आइडेंटिटी वन होती है और ये हमें मिल रही है, ठीक है। इस यानी कि इसमें इनवर्स ला जो है वो होल्ड करता है और एडिटिव एडिटिव इनवर्स भी होल्ड करेगा, ठीक है। और उसके बाद हम देख लें अगर यहाँ पे जो हमारे पास है ये सारी वैल्यूज जो हैं वो हर रो में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ये उनका ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ग्रुप एक्शन भी होल्ड करता है। अगर ये हमारे पास अब हमने यहाँ पे इसको शो कर दिया है तो ये हमारे पास क्या है, टेबल से हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्लोज है अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो अबेलियन ग्रुप शो हो गया, तो इट इज सब ग्रुप ऑफ एस फोर, ये एस फोर का जो है वो सब ग्रुप है और इसमें ऑर्डर क्या है, इसका फोर है। अब हम ऑर्डर कैसे बताते हैं, जितने भी हमारे पास उस सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास ऑर्डर होता है, तो हमारे पास यहाँ पे फोर एलिमेंट है, वन टू थ्री और ये फोर, ठीक है। तो फोर एलिमेंट है इसका, हमने यहाँ पे ऑर्डर फोर शो करवा दिया। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।